नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अशोक मिथु और आप देख रहे हैं इंडिया वोकल न्यूज। और आज हम बिहार के चंपारण जिले में मौजूद हैं और एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे गायक से मुलाकात हुई है जो अभी एक पत्रकार जो मनीष कश्यप जी थे उस पर एक लड़की गाना गाई थी, पूजा पांडे। उसके जवाब में ये जो सिंगर हैं, ये जो लड़के हैं, उनको जवाब दिए हैं। तो आइए उनसे मिलवाने चाहते हैं, उनका परिचय लेते हैं और कैसा गाना गाए हैं और कितना गाना गाए हैं उनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। अमित पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? महारवा डुमरी थाना। अच्छा, अच्छा, मैंने बेतिया जिला के हैं। जी जी, पश्चिमी चंपारण के। जी जी, मनीष कश्यप जी के पंचायत के हैं? पंचायत के हमारा पड़ोसिया है। अच्छा, पड़ोसी है मनीष कश्यप जी का, पड़ोसी। जी जी। तो अभी एक लड़की जो पूजा पांडे जो गाना गाई थी कि ये मनीष पत्रकार का तू बनबा बता, तो उस पर आपने क्या गाया था? हम गाए हैं कि कबो न हो खेलू बखिया से ओ झल, कल कबूल रानी हमर पर पोजल। कबो न हो खेलू बखिया से ओ झल, कल कबूल रानी हमर पर पोजल। अब न होता हमारा से इंतजार, अब न होता हमारा से इंतजार। ए हो पूजा गायकार, हम बानी रेडी का बनइबू भतार। ए हो पूजा गायकार, हम बानी रेडी का बनइबू भतार। मनीष नखन तैयार, हम बानी रेडी का बनइबू भतार। ए देखिए, पूजा पांडे जो गाई थी, जो सिंगर थी, मनीष कश्यप पर गाना गाई थी, भतार बने, उनके जवाब में इन्होंने, ये पांडे जी उनको जवाब दिए हैं कि वो तो बेचारे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, हम उनके पड़ोसी हैं, उनके गांव के हैं, हम तैयार हैं, अगर हमसे आप करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। क्या जी? हाँ, हम कर लेंगे। आपका शादी हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। उसी आस में आप हैं क्या? हाँ, क्यों अभी आसे में है, वो तैयार होंगी तो हम शादी कर लेंगे। अच्छा, कितने दिन से गाना गाते हैं? हम तो गाना गाते हैं आज 5-7 बरस हो गया। 7 बरस? कितने मार्केट में गाना नहीं बजा है। अच्छा, मैंने किस कंपनी से गाते हैं? हम मगर लगभग बहुत कंपनी से गाना हमारा रिलीज है। कितना गाना गा चुके होंगे? 50-60 को। अच्छा, 60 को। तो अभी भोजपुरी में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, आपको मालूम ही होगा, बड़ी जाति पाति चल रहा है, कोई बाबुआन तो कोई जादू तो कोई अहिरान, इस पर क्या आपका ओपिनियन रहेगा, क्या राय रहेगा? हम तो जातिवादी नहीं करते हैं, सब श्रोता गोड़ हमारा गाना सुनता है, हम सब किसी को हमारे ऊपर प्यार दुलार मिलता है तो हम किसी पर गाना नहीं गाते हैं। जातिवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ना, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सब किसी लोग यहाँ पे हैं, जितना लोग सब लोग गाना सुनता है, हर किसी का, नेता अभिनेता में कोई जातिवाद नहीं होता है। तो आप घर रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? हम घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। तो कहते हैं कि गायक बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना बजाना जरूरी होता है, शास्त्रीय संगीत सीखना, राग वगैरह सीखना, तो संगीत का कुछ शिक्षा प्रदान है कि नहीं आप? है। क्या सीखे? हम ये सीखे हारमोनियम बजाने को सीखे हैं। हारमोनियम बजाते हैं? नहीं किए। देखिए, होता है क्या ना कि गायकी लाइन में बहुत लोग क्या कहते हैं कि डायरेक्ट स्टूडियो में जाकर गाना गाने लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गायक है भोजपुरी में जिसको मालूम नहीं कि स्किल क्या है, सब तक क्या बोलते हैं, तीसरी काली में म्यूजिक बनेगी, चौथी काली में गाएगा लोग, आप फिर दूसरे को दोष देगा। तो आप सीखते हैं कि नहीं? ना ना, हम सीखते हैं, सीखे हैं, हम हारमोनियम बजाते हैं, स्टेज शो देते हैं हम। अच्छा, पहला गाना आपको याद है कि कब गाए थे? याद है। एक दो गाने जो आपके सबसे प्रिय गाने हैं, जो थोड़ा सा कुछ एक उन्हीं पे गाना है, डुमरी महानवा में खिलल हमारे नामावा, ए पूजा तो हरे कारनावा। डुमरी महानवा में खिलल हमारे नामावा, ए पूजा तो हरे कारनावा। ए पूजा तो हरे कारनावा, मोरे आफत में बजानावा। ए पूजा तो हरे कारनावा। उसके बाद अंतरा है, जहिया से कैलू मनीष कश्यप से प्यार हो, वही दिन से जियल हमर भइल बा मोहाल हो। तहिया से खात नइखे खानावा, ए पूजा तोहर कारण। अच्छा, ये बताइए, जो मनीष कश्यप से प्यार कर रही है तो आपको क्या इसमें दिक्कत है? हमको दिक्कत है काहे कि वो शादी नहीं कर रहा है, हम तैयार हैं। तो आप मनीष जी से कहवाइए कि भैया आप नहीं रेडी हो रहे हैं तो मेरा कहीं जुगाड़ बैठा दीजिए। तो वो बोलेंगे तब ना, वो तो बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग हमसे मिलना जुलना रहता है कि नहीं मनीष जी? है, मिलना जुलना है, हमारे गांव के बराबर है।
बात विचार होती है, बात विचार होता है उनका। हमारा मोबाइल पे स्टेटस है चाहे हमारा फोटो दोनों आदमी के साथ में है। हाँ, दोनों आदमी के साथ में फोटो है, फेसबुक पर देखिए चाहे व्हाट्सएप पर देखिए, हम दोनों आदमी के साथ में साथ में। तो आप जो जो गायकी करते हैं तो इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? हाँ, काम तो वार्ड सदस्य। अच्छा, राजनीति से भी बिलोंग करते हैं, अपने पंचायत के वार्ड सदस्य हैं और गाना भी गाते हैं। तो बताइए, आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए आप एक सेवक हैं, आप ऐसा गाना गाइएगा तो अच्छा तो नहीं है? तो उनका जवाब न दिए हैं, वो जैसे गाई है तो उनका हम जवाब दिए, ईंट के जवाब पत्थर से दिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है। पहले तो वो न गाई है तब हम गए हैं। मैंने आप रेडी हैं शादी करने के लिए? तो कभी उसे संपर्क साधे कि नहीं? जो लड़की संपर्क नहीं है हमारे से नहीं है। ऐसा ही हवा में तीर? मोबाइल नंबर है उनका, व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल। हम बात अभी तक नहीं किए, बात नहीं किए हैं, लेकिन विचार बन गया है आपका? हाँ, बन गया है, पूरा मूड बन गया है। वो तैयार होगी तो आप तैयार है, मनीष जी नहीं होंगे तो हम पड़ोसी हैं, हम तैयार है। क्या दिक्कत का क्या बात है? हम वार्ड सदस्य है, एक कामयाबी हासिल हो गया है, एगो खोजने वाले हैं, एगो मिल गया है, सब किसी। पहली बार जीते हैं आप? हाँ, पहली बार जीते हैं। तो जैसे आप गाना गाते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह शूटिंग वगैरह कहाँ करवाते हैं? हम मोतिहारी गा लेते हैं, मुजफ्फरपुर गए हैं, मगर बहुत स्टूडियो में गाना गा चुके। कोई ऐसा आपका चर्चित गाना जो अभी लोग को पसंद हुआ हो, कुछ थोड़ा चला हुआ है? हाँ, यही गाना है, यही गाना है, वाला गाना हमारा यही है। लास्ट में ये गाना हम गाए, किसी पे नाम तो कर तो गाना नहीं गाए। एक बार गाना गाए थे कि पुजुआ के झिझिया से कजली कम नहीं है, वो गाना मार्केट में बजा था उस टाइम, रिलीज कराने में बहुत रुपया लगता था तो रिलीज नहीं कराए थे, छोट मोट चैनल से डलवाए थे और व्हाट्सएप पर गाना हम छीटे थे, हमारा गाना वो बजा था। एक बार गाना और गाए थे कि जे कालसा लेके चलिए ये नंदो बच के, डीजे पर कमर लच के, वो हमारा गाना था। अच्छा, ये कब रिलीज हुआ? लगभग 4 साल हो गए। हाँ, गाना मार्केट में बजा था। तो अभी आगे आपका सपना क्या है? सपना है कि हम गायक बने। गायक तो बन चुके हैं, मगर इससे ज़्यादा डेवलप करें, डेवलप करें, इससे और आगे बढ़े, नाम करें, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम बताए थे अपना? अमित पांडे। ये अमित पांडे जी हैं, चंपारण जिले के हैं, बिहार के, और इनके ये अभी जो वायरल हुई थी एक लड़की पूजा पांडे, जो मनीष कश्यप जो पत्रकार है उन पे वो गाना गाई थी, उसके जवाब में पांडे जी उनको जवाब दिए कि भाई हम उनके पड़ोसी हैं, ये मनीष कश्यप जी के गांव के हैं, उनके बगल के पड़ोसी हैं, तो इनकी इच्छा है कि वो नहीं तैयार हो रहे हैं शादी के लिए, तो हम तैयार है, बात बन जाएगी, गांव की बात है, पड़ोस की बात है, तो आपकी जो इच्छा होगी पूरा होगी और आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करेंगे कि इससे बढ़िया बढ़िया चीज़ आप गाइए और अपने माँ बाप का, अपने जिला जवार का नाम रोशन करिए, जैसे मनीष जी अपना इस समय अपने गांव का, अपने जिला जवार का नाम रोशन किए हैं। आप भी मेहनत करिए कि आप भी आगे बढ़िए और सीखिए। हम तो कहेंगे जो भी कलाकार इस गायकी लाइन में आ रहे हैं पहले सीखेंगे तो अभी मैच्योर होंगे, थोड़ा सा आपका बेस मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।